कोरोना वैक्सीन की भारत में आपात इस्तेमाल को लेकर सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से और डेटा देने को कहा गया है। सीईसी के मुताबिक जो डेटा दिया गया है वो कम है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से और डेटा मांगा गया है। वहीं फाइजर ने अपने डेटा के बारे में और जानकारी देने के लिए कुछ और समय मांगा है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन का अभी इंतजार है। पिछले दिनों दुनिया की तीन नामी वैक्सीन कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और भारत बायोटेक ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति सरकार से मांगी थी। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि वो शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे और आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को देश भर में धरना देंगे। सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलनकारी राजस्थान के किसान संगठनों के संपर्क में हैं, जिनकी मदद से 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार की जा रही हैं। इनको जयपुर हाईवे जैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली जयपुर हाईवे को भी जैम करने की तैयारी है। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं है। दिल्ली को घेरे हुए किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बुधवार को सरकार ने किसानों को मनाने के लिए 10 पन्नों का एक प्रस्ताव भेजा, जिसे किसान संगठनों ने घंटे भर चली बैठक के बाद खारिज कर दिया। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ऐलान किया कि अब आंदोलन की धार को और तेज किया जाएगा। मीटिंग में एक दस्तावेज, एक ड्राफ्ट वहां से आया और ड्राफ्ट में ये था कि बिल संशोधन पे नहीं, बिल वापसी पे बात करनी थी हमको। बिल वापसी का उसमें कोई वो नहीं था और बिल वापसी के बिना किसान मानने का नहीं, और उस ड्राफ्ट में MSP पे भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो सरकार से बिल वापसी की बात हम करेंगे कि सरकार बिल वापसी ले ले, और नहीं तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने आ गए। इस मामले में सिलीगुड़ी में पुलिस ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बीजेपी ने सीधा बंगाल पुलिस को निशाने पर लिया और इस आरोप पर अड़ी रही कि उसके कार्यकर्ता की मौत बंगाल पुलिस की गोली से हुई। इस बात को साबित करने के लिए बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में हुई हिंसा का बताया गया, जिसमें पुलिस वालों के हाथों में हथियार दिखे। एक पुलिस वाला बंदूक से गोली चलाता नजर आया, जबकि एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकता दिखा। यही नहीं, गोली चलाने के बाद पुलिस वाले तेजी से आगे बढ़े। इस बीच एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो कुछ पलों के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों के नजदीक पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। एक शख्स को अपने साथ ले जाते हुए वो उसे लाठी से पीटते दिखे, जबकि एक दूसरे प्रदर्शनकारी को वो खींचते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले गए। इस शख्स के चेहरे पर गंभीर चोटें नजर आईं। बीजेपी ने ये वीडियो बंगाल पुलिस के उस ट्वीट के जवाब में जारी किया, जिसे 1 दिन पहले किया गया था। पुलिस की ओर से किए गए ट्वीट में ये दावा किया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की वजह शॉटगन से चली गोली बताई गई है, जबकि पुलिस ने उस दिन शॉटगन का इस्तेमाल ही नहीं किया था। जिसके बाद बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया। यही नहीं, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बंगाल पुलिस की बात को गलत साबित करने के लिए उसके पास ऐसे ही कई और वीडियो हैं। यह सिंपल है कि कितनी झूठी है पश्चिम बंगाल की पुलिस। 2 दिन पहले सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई।